हमारे दिन प्रतिदिन की दिनशैली में हम बहुत से ऐसे लोगों से रूबरू होते हैं जिनके लिए चाय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पिछले कुछ दिनों से चाय के अहम घटक यानी कि चाय की पत्ती का मूल्य दिनों दिन बढ़ रहा है। इसके पीछे के मूल कारण की जानकारी बुधवार को हुए नाग विदर्भ एसोसिएशन की बैठक में नाग विदर्भ एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव जवेदी ने दी है। इस दौरान बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। मैं राजीव जवेदी, अध्यक्ष नाग विदर्भ टी मर्चेंट एसोसिएशन। हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग चालू है, उसमें जैसे प्राइस डिस्कस हुआ है लास्ट एक महीने से, यानी लगभग दिसंबर लास्ट वीक के सेल से अभी तक 4 सेल में 50 से 70 रुपये तक की चाय में तेज़ी आ गई है वापस। क्योंकि जैसे क्वारंटाइन के समय और लॉकडाउन के समय, फिर आसाम में भी बहुत फ्लड्स आए, आसाम के अलावा सिलीगुड़ी में फ्लड्स आए, उसके कारण 2 क्रॉप्स ख़राब हो गई, तो इसलिए प्रोडक्शन कम हुआ इस साल और अभी खास बचा नहीं है। और एज इट इज़ जैसे हर साल दिसंबर में गार्डन सब बंद होते हैं चाय के, ठंड में चाय पैदा नहीं होती है, तो वो सब बंद हो गया। अब नया क्रॉप सीधा मार्च एंड से आएगा। उसका मेन कारण है कि 50 से 70 रुपीज़ की तेज़ी आ गई वापस 3 हफ्ते में। 100 रुपये का असर तो स्वाभाविक है, रिटेल काउंटर पर पड़ेगा ही। जब होलसेल में इतना 50-70 हो गया है तो 100 रुपीज़ पर केजी तो डिफरेंस आएगा ही।